तो गाइस यार क्या आपको भी PUBG मोबाइल खेलते टाइम बार बार कुछ इस तरीके से लोडिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, और भाई आप भी लोडिंग प्रॉब्लम से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हो? तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं ना कि भाई एक बस आपको सेटिंग करना और ये लोडिंग प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। आपको गेम के अंदर बिल्कुल भी लोडिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है, यकीन मानो गाइस। जस्ट आज से 2 से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लोडिंग प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें काफी सारे लोगों का लोडिंग प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। लेकिन गाइस काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई जब मैं वो सेटिंग कर रहा हूं तो हमारी इंटरनेट ही नहीं चल रही है। तो यार आप क्या गलती कर रहे हो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको वो गलती नहीं करना है गाइस, उसके बाद आपका बिल्कुल भी लोडिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है। चलो कैसे करना है मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले गाइस, अगर आपको PUBG मोबाइल लेज के अंदर विनर पास खरीदने के लिए, क्रेट ओपनिंग करने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए बीसी चाहिए, बीसी खरीदना होना, तो गाइस अभी आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे दोस्त का नंबर है जो कि बीसी बेचता है और गाइस फुल्ली ट्रस्टेड बंदा है। तो अगर आपको PUBG मोबाइल लेज के अंदर विनर पास के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए बीसी चाहिए तो आप इससे बीसी खरीद सकते हो। बाकी गाइस अब चलो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपल से समझना गाइस, अब आपको कौन सा सेटिंग करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो आप अपने फोन के अंदर VPN को कनेक्ट कर लो। देखो अगर आप नहीं समझते हो तो समझ लो ध्यान से, पहले आपको VPN को कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद ये सेटिंग करना है जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप गेम खेल लेते हो उसके बाद ये जो सेटिंग है उसको ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि मतलब कौन सा वो गलती आप कर रहे थे जिसकी वजह से आपका इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन के अंदर VPN कनेक्ट है, मैंने सेटिंग ओपन कर लिया। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है प्राइवेट DNS, या फिर अगर आप DNS भी सर्च करते हो तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हो 2 नंबर पे प्राइवेट DNS आ चुका है, ठीक है। तो अब आपको प्राइवेट DNS पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑफ, ऑटो और प्राइवेट DNS यहाँ पे प्रोवाइड होस्ट नेम का 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, प्राइवेट DNS प्रोवाइड होस्ट नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है PUBGLite1M.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ, सिंपल से आपको लिख देना है। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं ताकि आप गलती ना कर सको। देखो सबसे पहले ये सेटिंग करने से पहले आपके फोन के अंदर VPN कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही ये जो ट्रिक है वो वर्क करेगा। अभी देखो मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब गाइस जैसे ही इसके बाद आप गेम खेलते हो तो आपको बिल्कुल भी लोडिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जब आप शुरू में गेम स्टार्ट करोगे तो जस्ट 5 से 6 सेकंड के लिए आपको देखने को मिलेगा लोडिंग प्रॉब्लम, लेकिन उससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आप देखो जैसे ही आप गेम खेल लेते हो ना, उसके बाद आपको फिर से आना है प्राइवेट DNS में, ठीक है। जैसे आप मान के चलो कि अब आपने 2 घंटा 3 घंटा या फिर 10 मिनट के बाद भी आप मैच अब बंद करना चाहते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइवेट DNS में आ जाना है फटाक से। और आने के बाद गाइस यहां पे देखो ये ऑटो वाले पे जाने के बाद सेव कर देना है, आपको बिल्कुल भी नेट वगैरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब चलो फटाफट से मैं गेम स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूं कि क्या मेरे को लोडिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो गाइस यहां पे देख सकते हो मैं लॉबी में आ चुका हूं, बिल्कुल भी मेरे को कोई भी लोडिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। और भाई यकीन मानो अगर आप भी जाके अभी ये ट्रिक अप्लाई करते हो ना तो आपको भी बिल्कुल लोडिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जाके बस आप अप्लाई करके देख लो यार, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप एक बार करके देखो, आपको बिल्कुल भी लोडिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप गेम खेल लेते हो तो उस सेटिंग को आप ऑफ कर दो, जैसे ही आप गेम खेलने जा रहे हो तो ऐसे ही उस सेटिंग को आप ऑन कर दो, आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ गए? बाकी काफी सारे लोग ये सब चीजें जानते भी होंगे तो वो करते भी है, क्योंकि भाई इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, उसमें भी मैंने बताई थी, लेकिन कुछ लोग ध्यान से नहीं समझे थे। तो आज मैंने आपको ध्यान से समझा दिया, बाकी यार जो भी चीज था मैंने आपको बता ही दिया। आई होप इसकी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइस मिलते हैं कल नए और अच्छे वीडियो के साथ में।